शुरुआत करते हैं आपसे। 12 घंटे बाद देश के दो बड़े नेताओं की सीधी टक्कर होगी। कल सुबह प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के भुज से नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। मोदी ने कहा कि लाल किला से जहां पर वादों का भाषण होगा, वहीं गुजरात के भुज से वो अपने काम का हिसाब किताब देंगे। आखिरी फैसला जनता करेगी कि किसने देश को उम्मीद दी है और किससे देश नाउम्मीद हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 अगस्त को देश की निगाहें दो भाषणों पर टिकी रहेंगी। एक तरफ दिल्ली के लाल किले से पीएम देश को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ भुज के लालन कॉलेज में वो भाषण दे रहे होंगे। मोदी यहां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में तिरंगा फहराने वाले हैं। मोदी ने कहा कि देश ये जानने को आतुर होगा कि आखिर यहां से लाल किले तक कौन सा संदेश पहुंच रहा है। लालन कॉलेज मैदान में काले जारे अपने तिरंगो झंडो फरकावी सुतारे मित्रों, लाल किला ने पण सीधो सीधो संदेश हसे। देश आतुर हसे मित्रों के लाल किला थी शू कहवाय छे, लालन कॉलेज माथी शू कहवाय छे, देश आतुर हसे मित्रों। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले ही मोदी ने इसके मजमून पर सवाल खड़े कर डाले। मोदी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी सरकार की कोरी उपलब्धियां गिना रहे होंगे, तो दूसरी तरफ मैं अपने सरकार के हर मोर्चे पर कामयाबी की बात करूंगा। एक तरफ वचनों की लानी हसे तो बीजी तरफ करेला कर्मनो हिसाब हसे। एक तरफ निराशा नी भयंकर हसे तो बीजी तरफ आशा ना सपनों नो संचार हसे मित्रों। गुजरात में मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर साल अलग अलग जिलों में आयोजित करती रही है। इस बार कच्छ के जिला मुख्यालय भुज में मोदी तिरंगा फहराएंगे। पीएम को चुनौती देकर उन्होंने इस समारोह के अपने एजेंट को फिक्स कर दिया है। जितेंद्र तिवारी के साथ अमित कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और मोदी के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि पता नहीं मोदी को आखिर क्या हो गया है, वो दिन भर अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। ऐसे तो बहुत मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, और बाकी मुख्यमंत्री इतने समझदार हैं कि वो ये बात नहीं कहते कि मैं पीएम के टक्कर पे स्पीच दे रहा हूँ। वो अभी जब जनता आगे तय करे तो वो अभी से